ओम टिप्स बाय ममता में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरन पूरी। इसके लिए हमने 4 घंटे पहले चने की दाल को गला दिया था। अब इसको धो के और हम उबलने के लिए रख देते हैं। अब हम इसको पानी डाल के, इसका पानी 3 भाग ज़्यादा रहता है, मैंने हमने 1 कटोरी दाल ली है तो हमने 3 कटोरी के आसपास में पानी डाला हुआ है। साथ में हम 1 छोटी चम्मच इसमें हल्दी डाल देते हैं और अब हम बंद करके इसको उबाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं। इसमें करीब हमने 150 ग्राम आटा लिया हुआ है तो करीब 75 ग्राम मैदा को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। इसमें हमने तेल मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़े से गर्म पानी से इसको लगा लेते हैं, अच्छा सॉफ्ट आटा तैयार कर लेते हैं इसका। ये हमारा आटा बहुत अच्छा और सॉफ्ट लग गया है। इसको हम जितना ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे पूरन पूरी उतनी ही अच्छी तैयार होगी। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, जब तक कि हमारी दाल भी पक जाती है। दाल को पकाने के लिए हमें 1 सीटी लेनी है। इसके बाद हमें करीब 5-6 मिनट के लिए स्लो पर पकाना है। थोड़ा सा घी डालकर हम इसमें पकी हुई दाल डाल देते हैं। दाल बहुत अच्छे से पक गई है, एकदम मिक्स हो गई है। तो दाल को चलाते हुए हम पकाएंगे और जितनी हमने क्वांटिटी में दाल ली है उसी क्वांटिटी में हम इसमें गुड़ डालेंगे। इसको लगातार 15 से 20 मिनट तक हमें चलाकर पकाना पड़ेगा, जब तक कि ये पूरी तरह से सूख नहीं जाता है। इसको चलाते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। हमने थोड़ा सा जायफल जिसको हमने घिस लिया है इसको हम इसमें डाल देते हैं। जायफल से पूरन पूरी का बहुत अच्छा स्वाद आता है। साथ में 4 इलायची का हमने पाउडर तैयार किया है उसको भी हम डाल देते हैं। इसको चलाते हुए हम और पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट, जब तक कि इसका पेस्ट अच्छा सा तैयार नहीं हो जाए। ये पूरन पूरी की फिल्म बन के तैयार है। इसके बनने का पता ऐसे ही चलता है कि ये जो घी छोड़ने लगती है और कढ़ाई में चिपकना बंद हो जाती है। ये बन के तैयार है, अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ये पूरन पूरी की फिलिंग बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से बनी हुई है। अब हम इसे आलू के पराठे की जैसी पूरी तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम सभी पूरियां बना लेते हैं। तवा भी हमारा गर्म है, अब हम इनको सेक लेते हैं। इसको तेल या घी से किसी भी चीज से सेक लेते हैं, हम इसको घी से सेक रहे हैं। इस तरीके से हम अपनी पूरी पूरन पूरी तैयार कर लेते हैं। आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत ही जल्दी बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। ममता कुलदीप मिश्रा।